ये रूफ है, ठीक है, और मान लो कि यहां से धागा आया, यहां एक पुली है, पुली से यू टर्न लिया ऐसे करके, ये धागा इस पुली से यू टर्न लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहां पर एक पुली है, फिर ये आया यहां पे, और यहां से एक ब्लॉक हैंग कर रहा है, और यहां पर एक आदमी खड़ा है जो कि इसको इस धागे को खींच रहा है, ठीक है, ये धागे को खींच रहा है, ऐसे बोले खींच रहा है। नाउ होता क्या है, ये पर्सन क्या करता है, धागा कैसे पकड़ता है रस्सी को, ग्रिप करके, ग्रिप में तुम कह सकते हो एक नॉर्मल भी होता है बताएंगे, और एक फ्रिक्शन भी होता है, जो भी होता है दोनों को पकड़ता है और तब उसको खींचता है, यानी ये पर्सन धागे के इस पॉइंट को पकड़ के किस फोर्स से खींचता है, टी फोर्स से खींचता है, तो धागा इसका रिएक्शन फोर्स लगाता है मैन पे, यानी मैन पुल्स द स्ट्रिंग विद टेंशन टी एंड स्ट्रिंग पुल्स द मैन विद टेंशन टी, समझो, मैन पुल्स द स्ट्रिंग विथ टेंशन टी डाउनवर्ड्स, मैन पुल्स द थ्रेड विथ टेंशन टी डाउनवर्ड्स एंड स्ट्रिंग पुल्स द मैन विथ टेंशन टी अपवर्ड्स, स्ट्रिंग पुल्स मैन विथ टेंशन टी अपवर्ड्स, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, मैं धागे को नीचे खींच रहा हूं तो धागा मुझे ऊपर खींच रहा है, ठीक है, इसका मतलब मैन पे अगर हमको फोर्स निकालना है टेंशन का तो क्या लेंगे, ऊपर की तरफ लेंगे, और धागे पे निकालना है तो नीचे की तरफ लेंगे, धागे के इस एंड पे निकालना है तो नीचे की तरफ, टेंशन हमेशा पुल करता है। अब समझो इसमें टेंशन टी है, तुम जानते हैं ये मासलेस स्ट्रिंग है और ये आइडियल पुलीज है, ये टेंशन टी है, इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन टी ही रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज, यहां टेंशन टी तो यहां भी टी और यहां भी टी। अब जरा देखो ये जो पुली है मासलेस फ्रिक्शनलेस आइडियल है, यानी अगर यहां टेंशन टी ऊपर, यहां टेंशन टी ऊपर और यहां टेंशन टी डैश नीचे, तो टी डैश माइनस टू टी जीरो होना चाहिए, क्योंकि मास ही जीरो है, जब मास ही जीरो है तो मास इंटू एक्सेलरेशन जीरो होगा ही, इफ मास इज जीरो देन मास इंटू एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, सो इसका मतलब है कि ये जो है टी डैश जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, टू टी के। इसका मतलब क्या हुआ, तुमने जब यहां पे इसको पुल किया, किस फोर्स से पुल किया, तुमने इसको पुल किया किस फोर्स से, टी फोर्स से, तुमने धागे के इस एंड को किस फोर्स से पुल किया, टी फोर्स से, यानी इसमें टेंशन तुमने कितना क्रिएट किया, टी, पर जब टेंशन यहां लगा इसके ऊपर, जब इसके ऊपर ब्लॉक के ऊपर टेंशन ऐड करे, वो कितना ऐड करेगा बताओ, इस ब्लॉक के ऊपर जो टेंशन ऐड करेगा ऊपर की तरफ वो होगा टू टी, तुमने यहां टेंशन टी लगाया, यहां टेंशन ऐड करेगा टू टी, समझो, यहां तुमने फोर्स कितना अप्लाई किया, टी, तुमने यहां इस धागे के एंड को खींचा टी से, तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ एक टेंशन एक्सपीरियंस करेगा टू टी, यानी फोर्स मैग्निफाई हो रहा है, लेकिन वर्क मैग्निफाई नहीं हो पाएगा, देखो कैसे, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ वर्क फिजिक्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, यू कैनॉट गेन एनर्जी और वर्क विदाउट, अगर हम एनर्जी और वर्क को एक मान लें तो वो कंजर्व रहेगा, यानी तुम एनर्जी का गेन नहीं कर सकते हो, यहां वही हो रहा है, देखो कैसे होता है, समझो इस बात को कि ये जो टेंशन है, ये जो धागे का इस पूरे सिस्टम में जो टेंशन है वो कौन कौन से मासेस पे एक्ट कर रहा है, एक टेंशन इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, किस पे, मैन के हैंड पे, एक टेंशन यहां एक्ट कर रहा है, किस पे, मैन के हैंड पे, कि कहां एक्ट कर रहा है, ऊपर, कितना, एक्स टी, और मान लो ये मैन का हैंड जो वो नीचे चला गया बाय डिस्टेंस एक्स, ठीक है, मान लो इस मैन का हैंड जो है वो डिस्टेंस एक्स चला गया, सो मेरे हाथ को ये टेंशन ऊपर खींच रहा था, टेंशन टी से, लेकिन मेरा हाथ नीचे जा रहा है, मेरे हैंड को ये धागा ऊपर खींच रहा है टेंशन टी से, लेकिन मेरा हाथ नीचे जा रहा है, ठीक है, और यहां पर इस एंड पे जो मास है, ये मास, इसको टेंशन टी कितना खींच रहा है, टू टी,
आवाज आ रहा है? बीच में कट गया होगा, आ रहा है अभी? ठीक ठीक ठीक। यहां देखो ये टूटी लग रहा है ऊपर, तो ये चलेगा ऊपर x बाय टू से, यानी कि जिस फैक्टर से टेंशन मैग्निफाई होगा उसी फैक्टर से डिस्प्लेसमेंट डी मैग्निफाई हो जाता है। जिस फैक्टर से टेंशन मल्टीप्लाई होता है उसी फैक्टर से डिस्प्लेसमेंट डिवाइड हो जाता है। तो अब तुम देखो यहां पे अगर हम वर्क डन निकाले, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो बताओ यहां जो वर्क डन होगा, इस एंड पे जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? टेंशन भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, टेंशन भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। तो यहां वर्क डन क्या होगा? वर्क डन एट एंड वन, एंड एंड वन, वर्क डन बाय टेंशन एट दिस एंड इज 2t इनटू x बाय 2 विद पॉजिटिव साइन। क्यों पॉजिटिव साइन? बिकॉज टेंशन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। ये कितना हो जाएगा? टी इंटू एक्स। जबकि यहां पर टेंशन था ऊपर और हैंड जा रहा है नीचे, तो इस एंड पे जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन एट एंड टू, दैट इज इक्वल टू माइनस टी इंटू एक्स। माइनस साइन क्यों? क्योंकि एंटी पैरेलल है। तो डॉट प्रोडक्ट जब लोगे तो जब फोर्स की अपोजिट होता है डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन होता है नेगेटिव। अगर तुम दोनों को जोड़ दो तो टोटल वर्क डन कितना होगा? जीरो। तो याद रखना वर्क डन नेट इज जीरो। अब तुमको हम बता देते हैं, इसको हम यूज करेंगे बाद में, वर्क एनर्जी थ्योरम में इसको यूज करेंगे, रोटेशन में भी यूज करेंगे, सब जगह यूज करेंगे। बट हम तुमको ये बता देते हैं, वर्क डन बाय टेंशन इन द एंटायर सिस्टम, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन द एंटायर सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। याद रखना वर्क डन बाय टेंशन ऑन एंटायर सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। हो सकता है किसी एक पॉइंट पे टेंशन पॉजिटिव वर्क कर रहा हो तो दूसरे पॉइंट जो नेगेटिव वर्क कर रहा हो, सबका सब हमेशा जीरो आता है। हम कॉन्स्टेंट रिलेशन निकालने में इसको यूज करेंगे, वन ऑफ द इजिएस्ट मेथड्स में। ठीक है, वर्क डन बाय टेंशन ऑन द एंटायर सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। हाँ ठीक है, बता देते हैं। तुम लेट से आए हो, हम तुम लोग का वेट किए हैं 3:06 तक। अच्छा ठीक है, चलो मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, देखो तुमने यहाँ टेंशन लगाया टी, यहाँ तुमने एक रस्सी का एंड पकड़ा और खींचा है इसको, किस फोर्स से? टी से। तुम रस्सी को नीचे खींच रहे हो टी से, तो उसका रिएक्शन फोर्स, तुम रस्सी को नीचे खींचोगे टी से तो रस्सी तुमको ऊपर खींचेगा टी से। और मेरे ऊपर फोर्स निकालना है टेंशन का तो ऊपर लगेगा, रस्सी के ऊपर निकालना है मेरे द्वारा तो वो नीचे लगेगा। बट वो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो तुम यहां पे टेंशन क्रिएट की टी, ये पूरे एक स्ट्रिंग में सेम होता है। तो यही स्ट्रिंग घूम के यहां गया है, यहां गया है, यहां पूरे में टेंशन टी होगा। यहां टी, मान लो यहां टी डैश है। हो सकता है ये पुली, ये ब्लॉक एक्सीलरेटेड हो सकता है ये पुली एक्सीलरेटेड हो सकता है, बट इसकी मास तो जीरो है क्योंकि सारे पुली आइडियल है। चूंकि मास जीरो है तो एम इंटू ए जो है जीरो होगा, यानी कभी भी इस पुली के ऊपर नेट फोर्स एक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि ये मासलेस पुली है। तो मासलेस पुली के ऊपर नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है। ऊपर टी नीचे टी डैश। अगर तुम इस पे पुल देखोगे तो एक धागा इधर से पुल कर रहा है टी, एक धागा इधर से पुल कर रहा है टी, और एक जो सेंट्रली ट्रैप धागा है वो इसको नीचे पुल करेगा टी डैश। तीनों का वेक्टर सम क्या होना चाहिए? जीरो। इसका मतलब टी और टी, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना आ गया? टी डैश मीन्स 2t। इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो गया? 2t। वो 2t पुली को खींच रहा है नीचे 2t से, और वही 2t इस ब्लॉक को खींचेगा ऊपर 2t से, क्योंकि टेंशन हमेशा पुल फोर्स होता है, खींचता है बाहर की तरफ होता है। तो इसके ऊपर धागा इसके रेस्पेक्ट में ऊपर है तो 2t, इसके रेस्पेक्ट में धागा नीचे है तो 2t नीचे। अब समझो इस बात को, हम ये बोल रहे हैं कि तुमने कल किसी ने पूछा था सर ये तो बड़ा बहुत अच्छा चीज है सर, हम तो कितना टाइम मैग्नीफाई कर देंगे, 20 times, 30 times, 1000 times कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? यू कैन ऑलवेज डू इट इज पॉसिबल टू मैग्नीफाई फोर्स। देयर नो लॉ इन फिजिक्स दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ फोर्स। देयर इज अ लॉ दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी या वर्क तुम गेन नहीं कर सकते हो, तुम एनर्जी या वर्क गेन नहीं कर सकते हो, तुम फोर्स गेन कर सकते हो।
बट फोर्स जब गेन करोगे तो तुमको उसका कीमत चुकाना होगा, क्योंकि तुम वर्क को गेन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट गेन वर्क, यू कैन नॉट डू 10 जूल ऑफ वर्क। आई कैन नॉट डू 10 जूल ऑफ वर्क एंड आई कैन गेट 20 जूल ऑफ वर्क इन अनदर प्लेस, इट्स इम्पॉसिबल। बट आई कैन अप्लाई 10 फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स, आई कैन गेट 20 न्यूटन फोर्स, इट्स पॉसिबल। तो हम ये बता रहे थे कि हम ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि यहां पे टी था, यहां टूटी हो गया, लेकिन वर्क डन जीरो आएगा पूरे सिस्टम पे, यानी नेट सिस्टम पे जीरो आएगा। तुम्हें वर्क का गेन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ? तुमने यहां टी को यहां कितना कर दिया, टूटी, तुम्हारा यहां पे टी लगेगा, टूटी हो गया, तो तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट हैंड का है वो यहां हाफ हो जाएगा, वो वहां पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। देखो पूरे सिस्टम पे टेंशन का वर्क जीरो होता है। टेंशन का दो एंड है, देखो इस धागे का एंड कौन सा है, एक एंड ए है, ये धागा ऐसे ऐसे घुमा, और एक एंड बी है। इस धागे का एंड कौन सा है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। हम ये कहना चाहते हैं कि वर्क डन पूरे सिस्टम पे जीरो होगा। यहां तो वर्क डन होगा ही नहीं, ये तो पॉइंट फिक्स पॉइंट है, तो यहां डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है। यहां देखो, यहां तुमने, यहां टेंशन तुमको खींच रहा है किधर, ऊपर, टेंशन तुम्हारे हाथ को खींच रहा है ऊपर, किस फोर्स से, टी से, तुम्हारा हाथ गया नीचे, कितना डिस्प्लेसमेंट, एक्स। तो यहां जो वर्क डन होगा वो होगा टी इंटू एक्स विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों लेंगे, क्योंकि वर्क जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो प्लस साइन लेते हैं, और अगर उल्टा डायरेक्शन में हो तो माइनस साइन लेते हैं। तो यहां देखो टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, उल्टा साइन है, यहां वर्क डन कितना है, माइनस टी इंटू एक्स। वर्क डन बाय टेंशन ऑन द हैंड ऑफ द पर्सन इज माइनस टी इंटू एक्स। टेंशन चाह रहा था हाथ को ऊपर खींचना, बट हाथ जा रहा है नीचे, इसका मतलब है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द फोर्स, तो यहां पे माइनस टी इंटू एक्स। अब यहां आओ, यहां टेंशन एक्ट कर रहा है ब्लॉक के ऊपर, किधर, ऊपर, यहां टेंशन ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रहा है कितना, ऊपर, कितना, टू टी, और ये मूव करेगा कितना, एक्स बाय टू। तुम यहां अपने हाथ को खींचोगे एक्स, तो ये ब्लॉक सिर्फ एक्स बाय टू मूव करेगा, मींस तो यहां पे बताओ टू टी और एक्स बाय टू सेम डायरेक्शन में, तो यहां वर्क डन आएगा पॉजिटिव, वर्क डन बाय टेंशन पॉजिटिव, कितना, टू टी इंटू एक्स बाय टू, कितना हो गया, टी एक्स, टी एक्स प्लस माइनस टी एक्स, कितना हो गया, जीरो। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन द इंटायर सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। पूरे कितने भी बड़ा सिस्टम क्यों ना हो, उसमें धागे कितने भी क्यों ना लगे हो, पुली कितने भी क्यों ना लगे, पूरे सिस्टम पे टोटल वर्क डन बाय टेंशन जीरो होता है, ठीक है, पहली बात ये समझो। तो तुमने टेंशन को जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट उठी उसी फैक्टर से डिवाइड हो गया है। हम इसका दूसरा इलस्ट्रेशन भी लेंगे, पहले तुम इसको समझो कि हम टेंशन का रिलेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इससे पहले कि हम कुछ और चीजें तुमको बताएं, हम कुछ तुमसे न्यूमेरिकल सॉल्व कराना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मेरे साथ तुमको न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करने हैं, कौन से न्यूमेरिकल, एफ इजिकल टू एम ए पे सिंपल न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, ये समझने के लिए कि हम बाद में इसी चीज को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अब समझो, इसको याद रखना, वर्क डन बाय टेंशन ऑन द एंटायर सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। अब देखो, अब अगर मैं ये चाहूं तुमसे करना, हमारा इक्वेशन है क्या, बेसिक इक्वेशन जहां से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, दैट इक्वेशन इज एफ इजिकल टू एम ए, हमारा बेसिक इक्वेशन है जो है जहां से हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, वो हम तो बता चुके हैं, दैट इक्वल टू एफ इजिकल टू एम ए, क्या है, सो वी आर अप्लाइंग एफ इजिकल टू एम ए इन सिंपल केसेस। वी आर अप्लाइंग एफ इजिकल टू एम ए इन सिंपल केसेस, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, तुम ये बताओ, ये एक धागा है और एक ब्लॉक यहां हैंग कर रहा है, एक थ्रेड है और ये एक मास है, सिस्टम रेस्ट पे है। तो ये बताओ इसमें फोर्स कौन कौन सा, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स कौन कौन सा एक्ट कर रहा है, टेंशन, ग्रेविटी, नॉर्मल
नॉर्मल कहां से आ गया, हवा में लटका हुआ है, हवा में नॉर्मल तो कोई सरफेस लगा, नॉर्मल तो कोई सरफेस लगाता है जिसके ऊपर रखा होता है, यहाँ कोई सरफेस है नहीं, हवा में है, मतलब ये इसका ग्राउंड है, समझो ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के साथ तो कॉन्टेक्ट में ही नहीं है, तो एक फोर्स लग रहा है उसके ऊपर mg नीचे, अग्रे दूसरा लग रहा है यहां से टेंशन ऊपर, अगर इस धागे में टेंशन टी है, दो ही फोर्स है mg और नॉर्मल। नाउ इसकी एक्सीलरेशन है जीरो, ये रेस्ट पे है, इसकी एक्सीलरेशन है जीरो, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज मास इनटू, एक काम करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, क्या करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, लेट अस टेक अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, हम क्या करते हैं इस डायरेक्शन को अपवर्ड डायरेक्शन को सपोज हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लें तो क्या हम लिख सकते हैं, ये फोर्स प्लस टी है और ये फोर्स माइनस एमजी है, ये फोर्स प्लस प्लस है और ये फोर्स माइनस है, तो दोनों का वेक्टर सम लेंगे क्या लिखेंगे, टी प्लस माइनस एमजी, ये हो गया नेट फोर्स, पॉजिटिव फोर्स प्लस निगेटिव फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, यहां से क्या आ गया बताओ, टेंशन का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो गया, एमजी, सॉरी टेंशन इन द थ्रेड इक्वल टू द वेट, वॉट टेंशन इन द थ्रेड इक्वल टू द वेट, एग्रीड एग्रीड और नॉट, किसी कोई डाउट है इसमें, अब देखो ये बताओ क्या टेंशन और एमजी एक्शन रिएक्शन पेयर है, क्या टेंशन और एमजी एक्शन रिएक्शन पेयर है, नहीं है, क्यों नहीं है, बिल्कुल, तो ये होता है एमजी का रिएक्शन कहां लग रहा है, एम सेंटर ऑफ अर्थ पे लग रहा है, ऊपर की तरफ, अर्थ ब्लॉक को एमजी से नीचे खींच रहा है और ब्लॉक अर्थ को एमजी से ऊपर खींच रहा है, तो एमजी का रिएक्शन कहां लगेगा, सेंटर ऑफ अर्थ पे, समझो इस mg का रिएक्शन लग रहा है सेंटर ऑफ अर्थ पे, समझो ये धरती है, mg का रिएक्शन लग रहा है सेंटर ऑफ अर्थ पे, टेंशन एंड नॉर्मल, टेंशन एंड mg आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टोल्ड यू एक्शन एंड रिएक्शन कैनॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, सेकेंड थिंग एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट बी ऑफ सेम नेचर, टेंशन का रिएक्शन भी टेंशन होगा, एमजी का रिएक्शन भी एमजी होगा, एमजी कौन लगा रहा था, अर्थ लगा रहा था ब्लॉक पे, तो उसका रिएक्शन कौन लगाएगा, ब्लॉक लगाएगा अर्थ पे, एमजी के ही मैग्नीट्यूड का, सेंटर ऑफ अर्थ पे, टेंशन कौन लगा रहा था, धागा लगा रहा था, धागा का को अगर हम सिस्टम मान लें, अगर हम इसको, तो देखो ये पूरा धागा है, धागा का ये एंड, धागा का ये एंड इसको खींच रहा था ऊपर और दूसरा एंड इसको खींच रहा है नीचे, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, जो धागा ब्लॉक को खींच रहा है ऊपर वही धागा छत को खींच रहा है नीचे, ठीक है, जब तुमको न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ाए थे तो हम ये इलस्ट्रेशन नहीं ले पा रहे थे, बस हम थोड़ा मोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते, हम जो भी क्वेश्चन लेंगे हम तुमको बताएंगे उसमें कि एक्शन रिएक्शन कैसे ऐड कर रहा है, ठीक है, एग्रीड, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इक्वेशन यही रहेगा, इक्वेशन यही रहेगा एफ इक्वल टू एम ए, अब ये बताओ मान लो एक पर्सन है और जो रस्सी पे जंप कर रहा है, ए पर्सन इज जंपिंग ऑन द रोप और ए मंकी, नाउ आई कैन नॉट ड्रॉ द मंकी,
बिकॉज ड्राइंग ए मंकी ए डिफिकल्ट टास्क. सो व्हाट आई एम डूइंग इज दैट ये एक थ्रेड है, एक रस्सी है या थ्रेड है. और एक पर्सन इसके ऊपर जंप कर रहा है, चल रहा है, रस्सी पकड़ के चल रहा है. इस पर्सन की मास एम, इस पर्सन की मास एम, तो आपको यह बताना है अगर इस पर्सन की एक्सीलरेशन है ए, अगर इस पर्सन की एक्सीलरेशन है ए, द पर्सन इज एक्सीलरेटिंग अपवर्ड्स विथ एक्सीलरेशन ए, व्हाट इज द टेंशन इन द रोप, व्हाट इज द टेंशन इन द रोप, फाइंड टेंशन इन द रोप. तो ये बताओ अगर हम इस मैन की बात करें, अगर हम इस मैन की बात करें, तो अगर हम मैन पे फोर्सेस देखें तो क्या क्या देखेंगे बताओ. अगर इस मैन के ऊपर अगर हम फोर्सेस देखें तो क्या क्या देखेंगे. देखो एक तो फोर्स इसका वेट होगा, कितना होगा एम जी. हम मैन को देखें उसके ऊपर एक उसका वेट एक्ट कर रहा है एम इंटू जी. दूसरा उसके हाथ पे जो उसने रस्सी को पकड़ा हुआ है चढ़ने के लिए, हाथ पे एक टेंशन एक्ट कर रहा है. टेंशन हमेशा पुल फोर्स होता है. तो याद रखना मैन जो है, मैन जो है, मैन के नीचे जो धागा होगा वो स्लैक होगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है. जो ऊपर है वो टाइट होगा. तो यहां से इसको एक ऊपर फोर्स लेगा, कितना लेगा टी. मैन इज एक्सपीरियंसिंग टू फोर्सेस. फर्स्ट इज द ग्रेविटी वेट, उसका वेट जो कि डाउनवर्ड होगा. दूसरा वो फोर्स जो रोप का टेंशन उसको पुल कर रहा है ऊपर. ये दो फोर्सेस हैं. नतीजा क्या है दोनों का. ये तो दो फोर्स हो गया, ये जो दो है ये फोर्स हो गया. दीज आर द टू फोर्सेस. इसको हाथ पे दिखाते हैं. ये टेंशन ऊपर और एम जी नीचे. लेकिन इसका एक्सीलरेशन कितना है ए. जिधर एक्सीलरेशन होता है उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं. जिधर एक्सीलरेशन होता है उसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं. तो समझो हम इस केस में क्या करेंगे, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को. तो हमारा इक्वेशन क्या होगा बताओ. पॉजिटिव फोर्स टी, पॉजिटिव फोर्स टी, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. फोर्स कौन कौन से हैं, एक है टी अप, एक है एम जी डाउन. तो एक पॉजिटिव फोर्स तो दूसरा नेगेटिव फोर्स, एक पॉजिटिव फोर्स तो दूसरा नेगेटिव, इज इक्वल टू मास इनटू, जिधर एक्सीलरेशन था हमने उसी को पॉजिटिव माना था. यानी एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है, पॉजिटिव है, प्लस है. कोई डाउट यहां पे, कोई डाउट यहां पे. टेंशन ऊपर एम जी नीचे, मैन के ऊपर दो फोर्स एड कर रहा है, एक रोप उसको पुल कर रहा है ऊपर और एक ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है ऊपर डाउन. लेकिन उसको जाना है ऊपर, उसका एक्सीलरेशन है अपवर्ड्स. तो क्या लिखेंगे, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए. हाँ तो जीरो बिल्कुल बिल्कुल. v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मीन्स एक्सीलरेशन जीरो. कॉन्स्टेंट स्पीड से चलने के लिए नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. अगर कॉन्स्टेंट स्पीड है या रेस्ट पे है दोनों सेम चीज है. और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है अपवर्ड या रेस्ट पे है दोनों केस में एक्सीलरेशन जीरो आएगा. ठीक है. yes, sir. तो यहां पे t कितना हो जाएगा बताओ. यहां से आएगा t इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए. टेंशन इज मोर देन द वेट, टेंशन इज मोर देन इस वेट एम जी. टेंशन उससे ज्यादा है क्योंकि टेंशन को ना सिर्फ इसके वेट को बैलेंस करना है बल्कि इसको ऊपर एक्सेलरेट भी करना है. तो टेंशन को उतना ज्यादा होना पड़ेगा, टेंशन को उतना ज्यादा होना पड़ेगा कि वो ना सिर्फ वेट को बैलेंस करे, नलीफाई करे, बट वेट से ज्यादा भी दे, तभी वो उसको एक्सेलरेट कर पाएगा. सो टेंशन ही एम इंटू जी प्लस ए. कोई डाउट इसमें, कोई डाउट ये प्लस क्यों हुआ, ये माइनस क्यों हुआ, एक्सेलरेशन प्लस क्यों हुआ, कोई डाउट. तुम चाहो तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान सकते हो, मेरे तरफ से फ्री हो. यू आर फ्री टू टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन, यू विल गेट द सेम आंसर. इफ यू टेक डाउनवर्ड एज पॉजिटिव यू वुड राइट माइनस, सॉरी एम जी माइनस टी,
mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू माइनस ए, m इंटू माइनस ए, क्योंकि तब तुम्हारा हर चीज नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो क्या होगा, ये माइनस से ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, आंसर वही आएगा। हाँ अगर ये मैन खुद नहीं जा रहा होता, ऊपर का इसको कोई खींच रहा होता ऊपर से रस्सी पकड़ के, तभी वही होता, तभी वही होता, तभी वही होता। सेम केस है ना, एकदम सेम, सेम केस, सेम केस। अगर टेंशन कम हुआ तो वो पर्सन नीचे जाएगा, स्लिप करेगा। देखो रस्सी से हम दो काम कर सकते हैं, एक तो अपने आप को ऊपर खींच सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, दूसरा है कि हम रस्सी से किसी बिल्डिंग से नीचे आ रहे हैं, हम क्या करते हैं धीरे धीरे नीचे आते हैं, मतलब समझो हम क्या करते हैं उस केस में, या रस्सी को हम क्या करते हैं ऐसे छोड़ते हैं, पूरा नहीं छोड़ते हैं, ग्रिप करके छोड़ते हैं, यानी हम रस्सी के भीतर मेरा हैंड जो है वो स्लिप कर रहा होता है, उससे क्या होता है हम गिरते तो है नीचे बट कम एक्सेलरेशन गिरते हैं, उस केस में क्या होता है टेंशन इज लेस देन एमजी। थर्ड केस ले लो, थर्ड केस ले लो, उसमें पर्सन ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है बट ए जी के बराबर नहीं है, जी से कम है, फ्री फॉल में नहीं है, वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, उस केस में क्या होगा बताओ। अगर हम इसी को थर्ड कर दें, थर्ड केस, देखो केस तो हम पूरा लेंगे एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई टेक द टॉपिक, दूसरी बात, और आज के डेट में कोई बच्चा अभी या कल से इस क्लास को अटेंड करना शुरू करेगा वो कुछ नहीं समझ पाएगा, ये तुम भी समझ सकते हो, बिकॉज यू नो आई हैव टोल्ड यू द पुली प्रॉपर्टीज, वो यू शेप में होता है, हम तुमको बताए हैं इनर्शिया का मतलब क्या होता है, तो जब भी कोई बच्चा फिजिक्स के बीच में कहीं एंटर करता है उसको दिक्कत आती है। यही कारण था कि काइनेमेटिक्स में मुझे लगा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन बताने के बाद मुझे लगा था कि शायद प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मुझे थोड़ा सा और बैकअप क्लास देने की जरूरत थी, या क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद फिर रिलेटिव मोशन है, तो मैं सोचा कि चलो न्यूटन्स लॉज का थोड़ा कम यूज है प्रायर नॉलेज का, तो लेट अस कंप्लीट न्यूटन्स लॉ फर्स्ट, और जिसका भी प्रोजेक्टाइल या मान लो कोई और टॉपिक जो है 1D मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी थोड़ा वीक है, जस्ट वेट, उस वीकनेस के कारण तुम्हारा ये टॉपिक कमजोर नहीं होना चाहिए, न्यूटन्स लॉज को स्ट्रांग कर लो, उसमें तुमको प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई काम नहीं है, पूरे न्यूटन्स लॉ में तुमको एक बार भी प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं आएगा, कहीं नहीं, पूरे न्यूटन्स लॉज में 1D मोशन जो मोशन अंडर ग्रेविटी था वो नहीं आएगा, कभी नहीं, पूरे न्यूटन्स लॉज में कैलकुलस कभी नहीं आएगा, पूरे न्यूटन्स लॉ में ट्रायंगल लॉ नहीं आएगा, पूरे न्यूटन्स लॉ में एक ही चीज आएगा जो तुमको हम बताए हैं, वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसके अलावा वेक्टर को ब्रेक करना, तो इस पे मास्टरी कर लो। सी इन द इफ आई कैनॉट सॉल्व 2 questions और 3 questions इन ए बुक, आई शुड जंप टू 10 questions, बट आई शुड डू समथिंग, आई शुड नॉट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन, बिकॉज अल्टीमेटली हम उतना तो कर लें जो हम कर सकते हैं, बाद में हम फिर से कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, तो वेट मत करना। और फिजिक्स में इस बात को ध्यान रखना कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बड़े क्वेश्चंस का गेटवे होता है, वही छोटा चीज छूट जाता है तो बड़ा दिक्कत होता है। सो देखो चलो हम एक ये ले रहे हैं, ये एक रूप है और इस पे एक पर्सन जो है अपने आप को धीरे धीरे नीचे उतार रहा है, ये पर्सन अपने आप को नीचे उतार रहा है, दिस पर्सन इज कमिंग डाउन, दिस पर्सन इज कमिंग डाउन विथ एक्सेलरेशन ए, दिस पर्सन इज कमिंग डाउन विथ एक्सेलरेशन ए, मास ऑफ द पर्सन इज एम, सो यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो क्या करेंगे बताओ, हम कहेंगे कि मान लो ये पर्सन जो है, जो भी है ये पर्सन जो है, इसके ऊपर यहां से टेंशन है, अगर इस रस्सी में टेंशन है टी, लेट द टेंशन बी टी, लेट द टेंशन बी टी, तो इस पर्सन के ऊपर ये टेंशन टी ऐड कर रहा है अब, इस पर्सन के ऊपर टेंशन टी ऐड कर रहा है अब, और इस पर्सन के ऊपर वेट ऐड कर रहा डाउन एमजी, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन है ए कितनी है डाउनवर्ड, इसकी एक्सेलरेशन है ए डाउनवर्ड, तो अब ये बताओ तुम किसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानोगे, अपवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टेक डाउनवर्ड एज पॉजिटिव डायरेक्शन, जिधर एक्सेलरेशन उधर पॉजिटिव डायरेक्शन,
टेक डाउनवर्ड इज पॉजिटिव डायरेक्शन। अब क्या करोगे, लिखोगे mg नीचे पॉजिटिव प्लस माइनस t ऊपर, कितना हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। mg पॉजिटिव होगा, ये फोर्स पॉजिटिव ये फोर्स नेगेटिव इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से टेंशन कितना आ जाएगा बताओ, m इनटू g माइनस a, m इनटू g माइनस a। अगर a की वैल्यू हो जाए g, अगर a की वैल्यू क्या हो जाए g, अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड किसके इक्वल हो जाए g के, तो टेंशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि गिरने के लिए रस्सी को कुछ नहीं करना पड़ता है। गेटिंग, समझ रहे हो? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट इसमें बताओ, समझो? हम ही छोटे छोटे टुकड़े ले रहे हैं, बाद में सबको समेटेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस लेंगे। तो याद रखना, जिधर एक्सेलरेशन उसको क्या मान लो, टी मान लो, क्वेश्चन बन जाएगा। एग्रीड? जिधर एक्सेलरेशन उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लो, लिख दो एफ इक्वल टू एम ए, चला जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो, अब मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, अभी मैं तुमको कहीं भी नॉर्मल का यूज नहीं करा रहा हूं। अभी तो मैंने तुमको दो फोर्स पढ़ाया, कौन कौन सा, एक वेट पढ़ाया एम जी, दूसरा पढ़ाया टेंशन। एससी वर्मा के आधे से ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ एमजी और टेंशन पे हैं। एससी वर्मा के मोर देन 50 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन ओनली टू फोर्सेस, इन विच ओनली टू फोर्सेस है, टेंशन एंड एमजी। बस नॉर्मल है ही नहीं, नॉर्मल लेंगे तो हम उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। अभी हम ये ले रहे हैं। चलो, एक एपरेटस है, एपरेटस कहो या एक सिस्टम है, उसको बोलते हैं एटवुड मशीन। क्या बोलते हैं? एटवुड मशीन। क्या होता है देखो, और एटवुड मशीन का रिजल्ट हम याद रखते हैं, क्योंकि कई बार हमको डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। एटवुड मशीन देखो, ये क्या होता है, ये पुली होता है, आइडियल पुली है, आइडियल थ्रेड है, इसके ऊपर से धागा गया होता है यू शेप में, इस तरह से। यहां एक मास होता है और यहां एक दूसरा मास होता है, ठीक है। ये थ्रेड इस तरह से गया है इसके ऊपर, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका मास है m1, इसका मास है m2। हमको बताना है फाइंड टेंशन इन द थ्रेड, फाइंड टेंशन, फाइंड टेंशन इन थ्रेड और स्ट्रिंग एंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये बताओ, हम कह रहे हैं, मान लेते हैं टेंशन, सपोज लेट अस सपोज टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी। यहां टेंशन इस धागे में कितनी है, टी। तो क्या इस धागे में टी होती है? और इस धागे में टेंशन टी है तो क्या इस पूरे में टी होगी? बिल्कुल टी होगी। एग्रीड? अब देखो, मान लेते हैं इसकी एक्सीलरेशन है ए डाउन, मान लेते हैं इसकी एक्सीलरेशन है ए डाउन, तो इसकी एक्सीलरेशन कितनी होगी? अगर ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ए डाउन से, तो ये किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा? सेम ही रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा कि नहीं? क्या इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगी? होगी। क्यों होगी? क्योंकि स्ट्रिंग की दो प्रॉपर्टी है, धागे की दो प्रॉपर्टी है। क्या क्या? एक तो वो टाइट है, एक तो ये धागा जो है क्या है ना, एक तो ये धागा जो है ये टाइट है, और दूसरा ये इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब समझो, इसकी लेंथ इस एंड से इस एंड तक इसकी लेंथ कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि तुम इसकी लेंथ को बढ़ा नहीं सकते हो। अगर तुम इसको
10 सेंटीमीटर से खींचोगे इसको भी 10 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा? सोचो एक ट्रेन चल रही है और ट्रेन के इंजन की स्पीड, एक ट्रेन चल रही है और ट्रेन में 20 बॉगीज हैं, एक ट्रेन है उस ट्रेन में 20 बॉगीज और 1 इंजन है। अगर इंजन की स्पीड किसी मोमेंट पे, अगर इंजन की एक्सीलरेशन किसी मोमेंट पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो लास्ट बॉगी की एक्सीलरेशन कितनी होगी? बताओ, उतनी ही रहेगी। क्यों रहेगी? अगर 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 इंजन के पीछे वाले बॉगी की एक्सीलरेशन इंजन से ज्यादा हो गई तो क्या होगा? अगर वो या तो उसको तोड़ के उसके अंदर घुस जाएगा या उसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो इंजन के पीछे वाले बॉगी की एक्सीलरेशन इंजन से ज्यादा नहीं हो सकती। और अगर अगर कम हो गई तो क्या होगा? अगर इंजन की एक्सीलरेशन ज्यादा हो गई तो क्या होगा? या तो लिंक, या तो दोनों बीच का लिंक टूट जाएगा या एलोंगेट हो जाएगा। अगर स्प्रिंग होता तो शायद एलोंगेट हो जाता, बट ये स्प्रिंग तो है नहीं, इनएक्सटेंसिबल है। तो इसको, इसके हर पॉइंट की स्पीड सेम रहेगी। हम इस रिलेशन को जो तुम अभी नेचुरली बता रहे हो ना कि इसकी ए, तो इसकी क्या बता रहे हो ए? ये बहुत सिंपल है। देखो, अगर ये ए से जाएगा, अगर ये धागा, ये लेंथ, ये पॉइंट धागे का एक्स डिस्टेंस नीचे जाएगा, इस पॉइंट को भी एक्स डिस्टेंस ऊपर जाना पड़ेगा ताकि टोटल लेंथ कंजर्व हो। हम इस रिलेशन को बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन। हम इस रिलेशन को बोलते हैं कॉन्स्टेंट रिलेशन। मतलब अगर हमको किसी एक ब्लॉक का, पूरे सिस्टम में किसी एक पार्टिकल की वेलोसिटी या एक्सीलरेशन पता है, और पूरे सिस्टम में किसी एक पार्टिकल की वेलोसिटी या एक्सीलरेशन मुझे पता है, तो मैं सारे पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन उसके टर्म्स में निकाल लूं। इस स्किल को हम कहते हैं कॉन्स्टेंट रिलेशन। इस रिलेशन को हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट रिलेशन। जो हम लेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए, हम उसको लेंगे, उसका हम तुमको तीन मेथड बताएंगे और तीनों श्योर शॉट और गजब का मेथड है, ठीक है? तो तुमको क्या करना है, समझो कि एक्सीलरेशन जो है, एक का पता है तो बाकी का एक्सीलरेशन उसी के टर्म में निकालते हैं। एक का मान लिया ए तो दूसरे का 2a 3a, ए बाय 2, ए बाय 6, लाइक दैट, ताकि हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल कम हो और उसको सॉल्व कर पाए। कोई बात नहीं, यहां पर अगर ये ए से नीचे जाएगा, ये ए से ऊपर जाएगा। अब हमको इक्वेशन लिख के सॉल्व करना है। हम अलग से डायग्राम नहीं बना रहे हैं, इसी में बना रहे हैं। इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स क्या क्या होंगे, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स क्या क्या होंगे सो बताओ। M1G नीचे, यहां टेंशन टी ऊपर, M1G नीचे, टेंशन टी ऊपर, एक्सीलरेशन किधर? ऊपर। M1G नीचे, ठीक है, इसका वेट, टेंशन टी ऊपर, एक्सीलरेशन ऊपर। तो इस केस में तुम किसको मानोगे पॉजिटिव डायरेक्शन? इस ब्लॉक के लिए देखो, जो पहला ब्लॉक है M1 ब्लॉक जो है, M1 को अगर हम वी टेक M1 एज सिस्टम, हम M1 को सिस्टम मान रहे हैं। किसको? ब्लॉक 1 को। तो कह रहे हैं ब्लॉक 1 पे फोर्स क्या क्या है, M1G नीचे, टेंशन टी ऊपर, M1G नीचे, वेट हमेशा नीचे ऐड करेगा, टेंशन धागा जिधर है उधर ही ऐड करेगा, टेंशन टी ऊपर, और इसकी एक्सीलरेशन कितनी है, ए है ऊपर, इसकी एक्सीलरेशन ए है ऊपर। तो पॉजिटिव किसको मानोगे? अपवर्ड को। यहां पे पॉजिटिव किसको मानोगे? अपवर्ड को। इसको मानोगे अपवर्ड को, मानोगे पॉजिटिव डायरेक्शन। देखो, दिस इज टेकन टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन। हाँ हमने अभी मान लिया है कि M2 ज्यादा है, लेकिन जब तुम उसको एक्सप्रेशन निकालोगे तो तुम देखोगे कि जैसा केस लोगे वैसा आ जाएगा, अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव एडजस्ट कर लेगा। अभी हम नहीं जानते हैं M1 ज्यादा है या M2 ज्यादा, हम इन जनरल मान लिए कि यही ज्यादा है, मान लिए। अगर ये गलत होगा तो अपने आप तुम्हारा आंसर निगेटिव हो जाएगा। देखो कैसे, तो यहां इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ? देखो, यहां किसी को ये तो नहीं लग रहा है, यहां चार फोर्स है, दो ही फोर्स है, एक है वेट, दूसरा है टेंशन। एक है वेट Mg नीचे, एक है टेंशन टी ऊपर, और इसकी एक्सीलरेशन क्या है? ऊपर, जो हमने माना है। तो टी माइनस Mg, देखो इसको मानेंगे पॉजिटिव फोर्स, इसको मानेंगे नेगेटिव फोर्स, ये है एक्सीलरेशन। तो क्या लिखेंगे? टी माइनस Mg, M1G सॉरी,
क्या लिखेंगे हम लिखेंगे टी माइनस एम वन जी इज इक्वल टू एम वन ए, सही है। टी माइनस, देखो जैसे जैसे टाइम पास होगा तुम प्रैक्टिस करोगे, हम तुमको इलस्ट्रेशन देते जाएंगे, तुम्हारे स्पीड बढ़ता जाएगा, तुम यहां देख के ही बता दोगे टी माइनस एम वन जी इज एम वन ए। टी माइनस एम वन जी नेट फोर्स अपवर्ड है, ऊपर को पॉजिटिव माने हैं टी माइनस एम वन जी, क्योंकि एम वन जी नेगेटिव फोर्स है, इज इक्वल टू मास, मास कितना था एम वन, एम वन इंटू ए। अब आओ इस पे सेकेंड ब्लॉक पे आओ, एम टू पे, एम टू जी नीचे देखो, ब्लॉक एम टू के लिए देखो, ब्लॉक एम टू के लिए देखो क्या करना है, एम टू जी नीचे, टेंशन टी ऊपर, एग्रीड, एम टू जी नीचे, इसका वेट किधर रख करेगा नीचे, एम टू जी, टेंशन क्या होगा टी होगा ऊपर, तो क्या लिखोगे, और इसकी एक्सेलरेशन क्या है नीचे, कितनी है ए। यहां पॉजिटिव किसको मानोगे, नीचे को, यहां पॉजिटिव माने थे अपवर्ड डायरेक्शन को, और यहां पॉजिटिव मानेंगे डाउनवर्ड, इसको मानेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको मानेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन, तो क्या लिखेंगे बताओ, लिखेंगे हम यहां पे सेकंड इक्वेशन, क्या लिखेंगे बताओ, सेकंड इक्वेशन लिखेंगे यहां पे एम टू जी माइनस टी इज इक्वल टू एम टू ए, एग्रीड, कोई डाउट यहां पे, कोई डाउट यहां पे, इस पे टेंशन ऊपर वेट नीचे एक्सेलरेशन ऊपर, सो टी ज्यादा होगा, टी माइनस एम जी इज एम वन ए, यहां पे एम टू जी नीचे टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, एम टू जी ज्यादा होगा, एम टू जी माइनस टी इज इक्वल टू एम टू ए। अगर हम इक्वेशन वन और टू को ऐड कर दें, ऐड इक्वेशन वन एंड टू, एड इक्वेशन वन एंड टू, एड वन एंड टू, देखो टी माइनस एम वन जी प्लस एम टू जी माइनस टी, टी माइनस एम वन जी प्लस एम टू जी माइनस टी, तो क्या होगा टी और माइनस टी कट जाएगा, और एड कर दे इक्वेशन वन को किसके साथ, इक्वेशन टू के साथ, तो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड के साथ और राइट हैंड को राइट हैंड के साथ जोड़ देते हैं, तो आ जाएगा एम टू जी, एम टू माइनस एम वन इंटू जी, एम टू जी माइनस एम वन जी, टी और माइनस टी कट गया, इज इक्वल टू एम टू प्लस एम वन इंटू ए, यहां से आएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम टू माइनस एम वन बाय एम टू प्लस एम वन इंटू जी, एम टू माइनस एम वन बाय एम टू प्लस एम वन इंटू जी। अब बताओ अगर m2 greater than m1 है इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, अगर m2 greater than m1 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, बताओ, ये तो पॉजिटिव है ही, न्यूमरेटर को देखो, अगर m2 greater than m1 है इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है द एक्सेलरेशन इज इन द सेम डायरेक्शन इन व्हाट यू हैव अज्यूम्ड। अगर m2 इज इक्वल टू m1 है, अगर दोनों मास इक्वल है, m2 और m1 इक्वल है, तो कितना आएगा इसका वैल्यू, जीरो, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज जीरो। अगर एम टू लेस देन एम वन है तो इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव, मे बी माइनस जी बाई थ्री और माइनस जी बाई फोर। नाउ माइनस जी बाई फोर का मतलब है, अगर इसकी वैल्यू माइनस जी बाई फोर आ रही है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज जी बाई फोर इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू व्हाट यू हैव अज्यूम्ड, तुमने जो माना है उसके उल्टा डायरेक्शन में है, बट मैग्नीट्यूड जी बाई फोर ही है, मैग्नीट्यूड ये हमेशा सही देगा, प्लस और माइनस साइन अपने आप ले लेगा, फिर तुमको चिंता नहीं करना है। एनी डाउट सर? हाँ सर, अगर मास बराबर करके तो वो ब्लॉक्स एकदम एक जगह पे रेस्ट पे आ जाएंगे क्या? रेस्ट पे छोड़ दोगे तो रेस्ट पे रहेगा, एक स्पीड देकर छोड़ दोगे तो वो स्पीड मेंटेन रहेगा, अगर रेस्ट पे छोड़ दोगे रेस्ट पे रहेगा, और अगर एक इनिशियल वेलोसिटी दे के छोड़ दोगे 6 मीटर पर सेकंड, हमेशा 6 मीटर पर सेकंड, ये भी 6 से और ये भी 6 चलता है, एक्सेलरेशन जीरो होगा, अगर मास m1 m2 सेम है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब रेस्ट नहीं होता है, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है या तो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, या अगर किसी वेलोसिटी से चल रहा था तो हमेशा उसी से चलता रहेगा। क्या चीज
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मींस नेट फोर्स जीरो मींस एक्सीलरेशन जीरो, इट डज नॉट मींस वेलोसिटी जीरो। एक्सीलरेशन जीरो का मतलब रेस्ट नहीं होता है, समझो। अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो उसको बोलते हैं नेट दैट एक्सीलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल इज जीरो, फोर्स इज जीरो, ठीक है ना? बताओ इसमें कोई डाउट है? देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम दो फोर्स ले रहे हैं सब पे, एम जी नॉर्मल सॉरी एम जी टेंशन, और फिर हम उसका इक्वेशन लिख दे रहे हैं। एक्सीलरेशन ये होता है, इसको याद रखना बहुत काम देगा, एम टू माइनस एम वन बाय एम टू प्लस एम वन इंटू जी, ये क्या है? एक्सीलरेशन। अब निकालना चाहते हैं टेंशन टी। वंस वी हैव गॉट एक्सीलरेशन, देखो दो इक्वेशन हमारे पास थे और दो हमारे पास अननोन भी थे। दो इक्वेशन है कौन कौन सा, दो इक्वेशन है कौन कौन सा, एक है मतलब किसमें किसमें अननोन कौन कौन सा है, टेंशन और एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन निकल गया, हमारे इस एक्सीलरेशन को इसमें डाल दें या इसमें डाल दें, या हम सीधे इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, हम इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो क्या होगा बताओ? ये एम वन ए बाय एम टू ए, तो ए तो कट गया, एम वन ए बाय एम टू ए तो ए तो कट गया, बचा क्या? टेंशन ही बचा। हम सॉल्व तो कर ही सकते हैं, तुम भी सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके देखना। अगर हम इस एक्सेलरेशन को यहां प्लेस कर दें तो टेंशन की वैल्यू आएगी टू एम वन एम टू बाय एम वन प्लस एम टू इंटू जी। टेंशन की वैल्यू क्या हो क्या है थ्रेड में, इस थ्रेड में टेंशन की वैल्यू क्या होती है, टू टाइम्स ऑफ एम वन एम टू बाय एम वन प्लस एम टू इंटू जी, ठीक है? इसमें टेंशन टी, इस पूरे धागे में टेंशन टी, इसमें टेंशन कितना टू टी, इस धागे में टेंशन कितना होगा टू टी, होगा ना? इसको याद रखना, एम टू माइनस एम वन बाय एम टू प्लस एम वन इंटू जी। कोई डाउट किसी को? तुम्हारे पास एस सी वर्मा की बुक है सबके पास? यस सर, यस सर, सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी जो उसको निकालो, मैं बता रहा हूं। अच्छा, उसके पहले मैं तुमको एक चीज और बता देना चाहता हूं। वैसे कांस्टेंट रिलेशन मैं बहुत डिटेल में लूंगा और बहुत अच्छे से लूंगा, लेकिन कांस्टेंट रिलेशन से पहले मैं तुम्हें कांस्टेंट रिलेशन में लूंगा पूरा एज ए होल, वेज कंस्ट्रेंट, पुली कंस्ट्रेंट, मिक्स कंस्ट्रेंट, वर्चुअल वर्क जो है मेथड सब लूंगा एक साथ। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं कांस्टेंट रिलेशन लूं उसमें तुम्हारा नॉर्मल का कंस्ट्रेंट और टेंशन का कंस्ट्रेंट और पुली का कंस्ट्रेंट सब एक साथ लूं, समझो। मैं जब कांस्टेंट रिलेशन लूंगा तो मैं टेंशन का कंस्ट्रेंट, पुली का कंस्ट्रेंट, नॉर्मल फोर्सेस का कंस्ट्रेंट और वेज का कंस्ट्रेंट, इरोडो के क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन में सारे केसेस डाल दूंगा। मैंने तुम लोग को आज एक वो भेजा है, फोटो बना हुआ और कुछ कुछ है जो कि एफबीडी का, इस डायग्राम को एफबीडी बोलते हैं। इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। देखो मैं, मेरा थोड़ा अपना एक स्टाइल है करने का चीजों को। मैं क्यों हमेशा एक्सीलरेशन को इस तरह से दिखाता हूं रेजिस्टेंस की तरह, मैं क्यों हमेशा एक्सीलरेशन को इस तरह से दिखाता हूँ रेसिस्टेंस के सिंबल में, मैं क्यों नहीं उसको ये वेक्टर, सिंपल वेक्टर दिखाता हूँ? क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूँ बेसिकली कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सीलरेशन। देखो इधर हम फोर्स लिखते हैं, इधर हम फोर्स लिखते हैं, इधर एक्सीलरेशन लिखते हैं, दोनों में फर्क है। फोर्स इज द कॉज, एक्सीलरेशन इज द इफेक्ट। फोर्स के कारण एक्सीलरेशन हो रहा है, तो हम ये जो पूरा वेक्टर ड्रॉ करते हैं ना, ये पूरा वेक्टर टी एम जी, ये जो डार्क लाइन जो दिख रहा है, जो वेक्टर दिख रहा है, वो फोर्स दिखाते हैं। हम साइड में उसका इफेक्ट दिखाते हैं एक्सीलरेशन। तो हम ये अगर इसको इस तरह बना देंगे ना तो इसमें क्या करेगा, इसको भी फोर्स मान लेगा, इसको भी फोर्स मान लेगा, तो वो हम नहीं चाहते हैं। दूसरा, हम जब स्यूडो फोर्स लेंगे हम उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, वो तुमको हम बताएंगे क्या होता है। अभी तुम बस ये समझो कि तुमको मैं एक वो भेजे है, एक कुछ डायग्राम्स है उसमें, फ्री बॉडी डायग्राम से बनाने का। फ्री बॉडी डायग्राम, हम फ्री बॉडी डायग्राम के वर्ड को बहुत लाइक नहीं करते हैं। होता क्या है, चाहे सिंपल प्रिंसिपल क्या है फ्री बॉडी डायग्राम को बताएंगे, अभी तो है बचा होगा, कि हम पूरे सिस्टम को पॉइंट मास दिखाते हैं, हम पूरे ब्लॉक को एक पॉइंट मास दिखाते हैं, ठीक है? वंस वी कन्वर्ट ए पर्टिकुलर सिस्टम इनटू पॉइंट मास, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पॉइंट मास पे हम क्या करते हैं, उस पॉइंट मास को जो हम दिखाते हैं
तो हम उसको एक डॉट दिखाते हैं, यानी कार हो या साइकिल हो या इवन ट्रेन हो, उसका डायमेंशन हम जीरो कर देते हैं और उसको, उस पॉइंट को, उस पॉइंट मास को स्टार्टिंग पॉइंट मानते हुए हम फोर्सेस दिखाते हैं। हर एक फोर्स वेक्टर का टेल जो है वो वहीं वहीं से कोइंसाइड करता है उस पॉइंट, उसको हम फोर्स डायग्राम बनाते हैं। इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, इसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। लेकिन मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है, आप पॉइंट ना भी दिखाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पूरे सिस्टम को डॉट से ना भी दिखाएं कोई फर्क, ब्लॉक है तो ब्लॉक दिखा दो कोई दिक्कत नहीं है, तुम ब्लॉक को ब्लॉक दिखा दो, स्फेयर को स्फेयर दिखा दो, क्योंकि जब रोटेशन में जाएंगे तो ये मैटर करेगा कि वो फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा था, वो मैटर करता है कि फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम मैटर नहीं करता, फोर्स कहीं भी एक्ट करता, फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है इसको और एक फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है, मान लो एक फोर्स यहाँ एक फोर्स यहाँ। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, ये जो फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा था उसको यहाँ ले आते हैं डॉट दिखा के, और ये जो फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है उसको यहाँ ले आते हैं। बट जब टॉर्क निकालोगे ना तो मैटर कर जाएगा कहाँ एक्ट कर रहा था, यही फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो टॉर्क चेंज हो जाता है। हम दो बार क्यों बनाए, हम चाहते हैं कि उसको एक ही बार में सब कुछ समझें। तो कोई मेरे तरफ से कोई मतलब नहीं है, आप फ्री बॉडी डायग्राम अच्छा वर्ड है, सुनने में लगता है, आईआईटी में कभी काम नहीं आता है, आईआईटी के क्वेश्चन बनाने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम जो है वैसे ही आजकल का पैटर्न जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। तो एक पूरे मास को पॉइंट दिखाना कोई जरूरी नहीं है, आपको लगता है आप ब्लॉक को ब्लॉक ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो हम क्या कर रहे हैं कि एस सी वर्मा के क्वेश्चन पे आता हूँ, मैं बता रहा हूँ पेज नंबर। तुम आ जाओ पेज नंबर 80 पे, 80 एस सी वर्मा वॉल्यूम 1 पेज नंबर 80। ठीक है, क्वेश्चन 14 क्वेश्चन नंबर 14। दिखा 14, में क्या है क्वेश्चन पढ़ो, लेट अस सी द क्वेश्चन। ए पेंडुलम बॉब इतना ग्राम हैंग फ्रॉम सीलिंग टू द एयर, द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इफ एलिवेटर गोज अप। देखो ये एक एलिवेटर है, यानी लिफ्ट है, ये एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट है या एलिवेटर है, ठीक है। इस लिफ्ट में एक पेंडुलम का बॉब हैंग कर रहा है, इसका मास मान लो m, इस लिफ्ट में एक पेंडुलम बॉब हैंग कर रहा है और पूरी की पूरी लिफ्ट जो है वो चल रही है, किधर चल रही है, इट इज गोइंग अप विद एक्सीलरेशन 1.2। अगर ये ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन a से, तब बताओ इसमें टेंशन कितना होगा, तो क्या करोगे, तो क्या करोगे, इस पे फोर्स निकालोगे, क्या क्या फोर्स इसके ऊपर सो बताओ, टेंशन ऊपर है ना या नीचे, टेंशन निकालना है इस ब्लॉक के ऊपर, टेंशन ऊपर mg नीचे, एक्सीलरेशन कितनी है ब्लॉक की a, समझ रहे हो। वेट है mg, टेंशन है ऊपर और ये ऊपर जा रहा है, जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो साथ में उसमें लगा हुआ धागा भी तो ऊपर जाएगा, पेंडुलम भी तो जाएगा ऊपर कि नहीं जाएगा, जाएगा ना, तो क्या लिखोगे, तो क्या लिखोगे बताओ, टी माइनस एम जी, टी ऊपर एम जी नीचे इज इक्वल टू एम एन,
यानी टेंशन किसके इक्वल हो गया, एम इंटू जी प्लस ए, एम इंटू जी प्लस ए। अब यहां ये बता, तुम जी की वैल्यू कितनी लोगे? 9.8। अपने आप तुमको लग रहा है 1.2 क्यों दिया है, 9.8 ले लो, ठीक है। क्या चीज? आ जाएगा, गोज अप विद डिक्सिलेशन 1.2। ये द गोज अप विद डिक्सिलेशन 1.2 का मतलब क्या है? सेकंड क्वेश्चन उसी का सेकंड पार्ट, दिस गोइंग अप, गोइंग अप विथ रिटार्डेशन, गोइंग अप विथ रिटार्डेशन ए, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ऊपर है या नीचे? और कोई चीज ऊपर जा रहा है और उसकी रिटार्डेशन ए है, तो उसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन नीचे है या ऊपर है? नीचे। एग्रीड, इसकी एक्सीलरेशन ए नीचे होगी। हमको इसका वेलोसिटी नहीं देखना है, हमको इसका एक्सीलरेशन देखना है। एफ इक्वल टू एम ए होता है, एफ इक्वल टू एम इंटू वेलोसिटी नहीं होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। एफ इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी नहीं होता है। अगर हम किसी बॉल को ऊपर फेंक दें और अभी वो अपने टॉप मोस्ट पॉइंट तक नहीं पहुंचा है, वो बीच में है कहीं, उस समय उस बॉल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो ऊपर है, बट रिटार्डेशन एक्सेलरेशन किधर है? नीचे है ना। गोइंग अप विथ रिटार्डेशन ए, यानी कि वेलोसिटी के अपोजिट है। रिटार्डेशन मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी का अपोजिट है, और वेलोसिटी क्या है? ऊपर है। तो वेलोसिटी ऊपर है रिटार्डेशन के साथ, यानी एक्सेलरेशन नीचे है। तो अब यहां क्या लिखोगे बताओ? एम जी नीचे, टेंशन टी ऊपर, तो क्या लिख दोगे? एक्सेलरेशन कितनी? नीचे ना, तो कितना लिखोगे? एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम। अब टेंशन कितना हो जाएगा? एम इंटू जी माइनस ए। अब टेंशन कितना हो जाएगा? क्या चीज? आएगा ना। उसी तरह से गोज अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सी गोज अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन मीन्स टी माइनस एम जी जीरो, जीरो। सो टी इज इक्वल टू एम जी, खत्म। ठीक है, क्वेश्चन 22 देखो, मैं सब कराऊंगा बाद में। 22 देखो, एटवर्ड मशीन दिया हुआ है, एक का मास है 300 ग्राम, एक का मास है 600 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स? जल्दी बताओ एक सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 22, ये 300 ग्राम, ये 600 ग्राम, इसकी एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए डाउन है, इसकी ए अप है। तो ए कितना होता था? एम टू माइनस एम वन बाय एम टू प्लस एम वन इंटू जी, याद रहेगा? एम टू माइनस एम वन बाय एम टू प्लस एम वन इंटू जी, यही इतना था। क्या था जी? बिल्कुल बिल्कुल, ये हो जाएगा जी बाय थ्री हो जाएगा ना। सिक्स हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड बाय 600 प्लस 300 इंटू जी, तो जी बाय थ्री आएगा, जी बाय थ्री आएगा। तो जी बाय थ्री, अच्छा पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ना। अब पूछा है कि जब इसकी एक्सेलरेशन ए है, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कैसे निकालोगे? हाफ ए टी स्क्वायर कर दो, आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, 30 या एक काम करो, क्वेश्चन 27 देखो, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ आइदर ब्लॉक। पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ
आइदर ब्लॉक, क्या करोगे? क्वेश्चन 27 देखो, क्वेश्चन 27 देखो, और जो जो मैं बता रहा हूं देखो देखो देखो, उन सबको क्लास खत्म होने के बाद खुद से बनाओगे। देखो 27 नंबर एससी और मारा क्वेश्चन नंबर 27 देखो, दिया हुआ है कि ये कोई इस टाइप से है कुछ, और इसमें जो है ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, इस पे तुम फोर्स लगाए एफ, यहां तुमने लगा दिया 1 न्यूटन, यहां लगा दिया 1 न्यूटन, और इसका मास दिया हुआ है 5 kg, ये है 5 kg, और ये कितना है जी, ये 2 kg। पूछा एक्सेलरेशन कितना होगा, मान लो थ्रेड में टेंशन टी है, लेट द टेंशन बी टी, ये हो गया टी ऊपर, ये हो गया टी ऊपर, विकास का मास ज्यादा है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, नीचे होगी। तुम चाहो तो उल्टा मान लो, नेगेटिव आ जाएगा, इसकी एक्सेलरेशन नीचे ए, तो इसकी कितनी हो जाएगी, ऊपर ए। ठीक है, लिख दूं एक स्टेप में, यहां क्या लिखेंगे बताओ, एक यहां वेट, एक यहां इसका वेट होगा कितना होगा 5g, और इसका वेट कितना होगा जी 2g, और जरा इसको लिख लो, इसको भी लिख लो, क्या लिखोगे इसके लिए, क्या लिखोगे, 1 न्यूटन नीचे, 1 + 5g नीचे, 1 न्यूटन नीचे, देखो 1 नीचे प्लस 5g नीचे, नीचे को पॉजिटिव मान रहे हैं, माइनस टी इज इक्वल टू 5 × a, यहां क्या लिखोगे, ऊपर को मानोगे पॉजिटिव, क्या लिखोगे टी माइनस 2g माइनस 1, दोनों नेगेटिव है, इज इक्वल टू 2a, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर लो आ जाएगा। हाँ हाँ वो चलाएगा, तुम लोग सॉल्व करना, नहीं बनेगा तो बताना। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30, अच्छा 30 अभी छोड़ दो, 30 में नॉर्मल भी है, हालांकि नॉर्मल का कोई काम नहीं, नॉर्मल नहीं लोगे चल जाएगा, तो नॉर्मल उसमें कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 34 है जैसे, और ये सब इन सब को बनाने के लिए तुम्हें कॉन्स्टेंट रिलेशन चाहिए, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें कॉन्स्टेंट रिलेशन चाहिए, तुम्हें कॉन्स्टेंट रिलेशन का काम पड़ेगा। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कॉन्स्टेंट रिलेशन क्या होता है, बट उसके पहले मैं तुम्हें नॉर्मल बताना चाहता हूँ। अभी के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ एससी और मार्क के क्वेश्चंस के लिए, जहां भी टेंशन डबल होगा एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा। अभी मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं वो ये है, समझो कॉन्सेंट्रेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें एक तरीका जो है वो ये है कॉन्सेंट्रेशन। तो वो बता चुके हैं पूरे सिस्टम पे, पूरे सिस्टम पे हर जगह मिला दो तो वर्क डन बाय टेंशन जीरो होता है, पूरे सिस्टम पे, पूरे सिस्टम पे टोटल अगर कहें तो वर्क डन बाय टेंशन कितना होता है, जीरो होता है, बता चुके हैं तुमको। क्यों जीरो होता है, क्योंकि जहां पे एक जगह तुम उसको पुल करोगे दूसरी जगह उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरह से होता है कि वो जीरो होता है। तो हम कहते हैं समेशन ऑफ टेंशन डॉट एक्स इज जीरो, क्योंकि टेंशन डॉट एक्स समेशन ऑफ टी आई डॉट एक्स आई, अगर किसी आइथ पॉइंट पे, अगर किसी आइथ पॉइंट पे टेंशन है टी आई और उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है एक्स आई, समझो तो टी आई डॉट एक्स आई उस पॉइंट पे टेंशन का वर्क डन होता है। टेंशन का मतलब होता है वर्क डन, वर्क डन बाय, वर्क डन का जो डिफिनेशन हुआ है एफ डॉट वी, एफ डॉट सॉरी एफ डॉट एक्स, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो पूरे सिस्टम पे, एंटायर सिस्टम पे जो टेंशन का वर्क डन है वेरियस पॉइंट्स पे, उनका सम जीरो आता है।
TI.xi0। इसी को हम डिफरेंशिएट कर दें तो लिख सकते हैं समेशन ऑफ TI.vi0। आइथ पॉइंट पे अगर किसी भी वेलोसिटी v है तो होगा 0। T.v फोर्स डॉट वेलोसिटी बताता है पावर, फोर्स डॉट वेलोसिटी बताता है फोर्स डॉट v बताता है पावर डिलीवर्ड बाय दैट फोर्स, उसका भी समेशन 0। इसी को हम दोबारा डिफरेंशिएट कर दें तो TI.ai0 होगा। इसको हम यूज करेंगे इन कॉन्स्टेंटलेशन, इसको अभी खत्म नहीं कर रहे हैं। कॉन्स्टेंटलेशन हम कॉन्स्टेंटलेशन अभी स्टार्ट भी नहीं किए हैं, ठीक है। हम अभी जो बता रहे हैं वो सिर्फ ये बता रहे हैं जिससे तुम्हारा पूरा एससी वर्मा बन जाएगा, पूरा एससी वर्मा इससे बन जाएगा, ठीक है। वो उतना बता रहे हैं, इसको ये मैं समझना है। कॉन्स्टेंटलेशन मैंने खत्म कर, कॉन्स्टेंटलेशन हम नॉर्मल के बाद लेंगे और पूरी एक क्लास लेंगे उस पर, ठीक है। कॉन्स्टेंटलेशन जो है यहां से निकालते हैं। अब समझो इसका मतलब, मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन इस टाइप से है, ये ब्लॉक है, ये पुली है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये रूफ है, ये ब्लॉक, ठीक है, समझ गए। अब ये बताओ, हमको पता करना है कि इसका एक्सीलरेशन और इसके एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन है। हमको पता करना है इस ब्लॉक के एक्सीलरेशन और इस ब्लॉक के एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन है। वी डू नॉट वांट टू वेरिएबल्स, आई डू नॉट वांट टू राइट इट a1 एंड दिस इज a2, आई वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ a। अगर इसको a मान लिया तो ये 2a 3a मतलब ये और ये एक ही वेरिएबल के टर्म्स में होगा, इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिलेशन। तो हम क्या करते हैं, कहते हैं मान लेते हैं यहां टेंशन T है, यहां टेंशन T होगा, बताओ यही धागा ऐसे गया ऐसे घुमा, यहां भी टेंशन T होगा, इसमें टेंशन कितना हो जाएगा 2T हो जाएगा ना, इसमें टेंशन कितना हो जाएगा 2T, एग्रीड। अब देखो तो यहां T, इस धागे में टेंशन T, इस पूरे में T और ये सेंट्रली टैप था तो कितना हो गया 2T। अब बताओ अगर इसकी एक्सीलरेशन सपोज नीचे की तरफ कितनी है a, मान लेते हैं इसकी एक्सीलरेशन इंटरेक्शन में कितनी है a डैश, समझ रहे हो। मान लेते हैं इसकी एक्सीलरेशन नीचे है a और इसकी राइट है a डैश। अब क्या करेंगे, देखो हम क्या कर रहे हैं, जो भी मासेस हैं जहां भी हैं उन मासेस पे जो टेंशन उन पॉइंट्स पे वर्क कर रहा है उनके समेशन को जीरो करेंगे, T.A को जीरो करेंगे। देखो कैसे हम क्या करेंगे, यहां पर टेंशन किधर ऐड कर रहा था ऊपर, यहां टेंशन किधर ऐड कर रहा है इस ब्लॉक पे बताओ ऊपर, जा किधर रहा है नीचे, तो यहां पे इस पॉइंट पे जो टेंशन है और इस पॉइंट पे जो ब्लॉक का एक्सीलरेशन है, यहां जो टेंशन ऐड कर रहा है ब्लॉक पे और जो एक्सीलरेशन है ब्लॉक का, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बताओ -2T into a। क्यों होगा, बिकॉज 2T into a cos 180 डिग्री, ये हो जाएगा देखो 2T into a और इस वेक्टर टेंशन वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर में यहां एंगल कितना है एंटी पैरेलल है 180 डिग्री, cos 180 डिग्री प्लस, ये तो क्या पहला वर्क डन T.A। यहां बताओ इस ब्लॉक पे टेंशन किधर है राइट, इस ब्लॉक पे टेंशन किधर है राइट, एक्सीलरेशन किधर है राइट, तो क्या लिख देंगे T into a dash, देखो T into a dash और दोनों के बीच में एंगल कितना है सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री, cos 0 डिग्री कितना होगा 0, दोनों का सम कितना होना चाहिए 0, दो ही ब्लॉक है ना, दो ही ब्लॉक है, T कॉमन आगे कट जाएगा, ये है -2a cos 180 डिग्री होता है -1, -2a प्लस a डैश इज इक्वल टू 0, यानी a डैश इज इक्वल टू कितना हो गया 2a। यानी अगर इसकी एक्सीलरेशन a है और हमने इसकी एक्सीलरेशन a मानी है तो इसकी क्या मानेंगे 2a, समझे। टेंशन डबल एक्सीलरेशन हाफ, टेंशन ट्रिपल एक्सीलरेशन a by 3, टेंशन हाफ एक्सीलरेशन डबल, टेंशन इंटू एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड। तो अब मुझे ये बताओ क्वेश्चन 34 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 34 पे आओ सब लोग एससी वर्मा में।
तीन डायग्राम दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले सी डायग्राम पे आओ, क्वेश्चन 34 डायग्राम सी। अगर ये बताओ, अगर इस धागे में जो ऐसे करके सबसे लंबा धागा उसमें टेंशन टी है, तो बी ब्लॉक से अटैच धागा उसमें टेंशन कितना होगा? सबके पास है कि नहीं ऐसी हो रहा, वो दो भी डाउट होता है। क्वेश्चन 34 का सी, अगर टेंशन टी है सबसे बड़े वाले धागे में, जो धागा सबसे लंबा घूम के गया है उसमें अगर टेंशन टी है, तो जो 1 kg ब्लॉक के साथ धागा लगा हुआ है उसमें टेंशन टूटी होगा। इसका मतलब है कि अगर तुम किसी एक को ए मानोगे, टी वाले को ए मानोगे, तो टूटी वाले को ए बाय टू मानोगे, या अगर टूटी वाले को ए मानोगे तो टी वाले को 2a मानोगे। देखो कैसे हम एक्चुअली ड्रॉ अभी करना नहीं चाह रहे, ठीक है। देखो ऐसे होना के सारे क्वेश्चन में बता दो कौन कौन सा क्वेश्चन, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 26 हो, 27 हो, 28 हो, 29 हो, 30 हो, 31 हो, 32 हो, 33 हो, 34 हो, 35 हो, या फिर 36 हो, सब में यही लगेगा। क्या लगेगा बता रहा हूं, समझो इस बात को, कैसे करते हैं सॉल्व। मुझे पूछा गया ये क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, मैं एक स्टेशन दे रहा हूं तुमको, इसको अभी तुम ऐसे और इसके बेसिस पे बना सकते हो जिसमें कि सिर्फ स्ट्रिंग हो और पुली हो, नॉर्मल ना हो, नॉर्मल रहेगा तो भी वो नेक्स्ट क्लास में तुम बना लोगे। तो देखो हमको क्या करना है, हमको ये करना है समझो, कि मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं, मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि मैं कॉन्स्टेंट रिलेशन में पूरा एक डीबीपी दूंगा, मैं कॉन्स्टेंट रिलेशन में पूरा एक सप्लीमेंट दूंगा जिसमें मैं तुमसे कॉन्स्टेंट रिलेशन ही निकलवाऊंगा। अभी तुम जो डायग्राम मैंने भेजा उसको बनाना नहीं, अभी मैं उसको बताऊंगा कब कब क्या बनाना है। अभी सिर्फ ऐसे कुछ क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग गुड इन फिजिक्स, फर्स्ट एक्यूमुलेट द स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स, लेटर ऑन यू आर इन पोजिशन टू सॉल्व एनी बिग क्वेश्चन। समझो इस बात को, कि हम क्या कर रहे हैं कि ये ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है, ये है मान लो मास इसका है m और इसका मास भी m, दोनों का मास m है। हमसे पूछा गया है एक्सीलरेशन कितना होगा, हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द एक्सीलरेशन एंड टेंशन एंड वगैरह वगैरह कुछ कुछ पूछा गया है। तुम क्या करोगे इसमें बताओ, सबसे पहले हम करेंगे क्या, व्हाट वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट, वी आर सेइंग दैट सपोज टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज टी, टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज टी, इस टेक द टर्न लाइक दिस, अगेन टेक द टर्न लाइक दिस, सो दिस इज टी एंड दिस इज टी। मान लेते हैं इस धागे में टेंशन टी है, इस पूरे धागे में टेंशन टी होगा तो इसमें कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। एग्रीड, किसी को डाउट है, 2t हो जाएगा। अब बताओ हम ये कह रहे हैं, मान लेते हैं कि इसकी एक्सीलरेशन कितनी है, ए है नीचे, मान लेते हैं इसकी एक्सीलरेशन ए है नीचे, तुम चाहो तो ऊपर मान लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ यू विश यू कैन टेक अपवर्ड। अगर ये नीचे जाएगा तो इसको जनरली ऊपर जाना चाहिए, बट तुम चाहो तो इसको भी नीचे ही मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा सब कुछ अपने आप आ जाएगा। यू वुड नॉट डू बिकॉज इज वेक्टर इक्वेशंस, अपने आप तुमको बताएगा तुमने नेगेटिव डायरेक्शन लिया था, बट हम जनरली जानते हैं ये नीचे आता है ये ऊपर जाता है, बट हम कितना से जाता है नहीं पता, मान लेते हैं ए डैश से, ठीक है, मान लेते हैं ये क्या जा रहा है नीचे ए से, ये कितने जा रहा है ए डैश से, पहली बार कर रहा हूं इसलिए ए डैश
लिख रहा हूं। दूसरी बार इसके बाद कभी भी यहां टेंशन टी एक्सेलरेशन ए, यहां टेंशन टू टी, ये हो जाएगा ए बाई टू। जहां टेंशन टी था वहां एक्सेलरेशन ए है, जहां टेंशन टू टी वहां एक्सेलरेशन होगा ए बाई टू। जहां टेंशन अगर ये थ्री टी होता ये होता ए बाई थ्री। अगर इसको ए मानते, टू टी पे ए मानते, टू टी पे ए मानते, टू टी पे ए मानते, टी पे टू ए मानते, टेंशन इंटू एक्सेलरेशन, अगर दो ही ब्लॉक है पूरे सिस्टम में, दो ही ब्लॉक है तो टेंशन इंटू एक्सेलरेशन दोनों का कॉन्स्टेंट आता है मैग्नीट्यूड वाइज, और दो ही ब्लॉक है तो टेंशन इंटू एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट आता है। ये एससी वर्मा के सारे क्वेश्चन में कॉमन है। तो मान लेते हैं कितना है ए डैश। अब क्या करना है, समेशन ऑफ टेंशन डॉट एक्सेलरेशन इज जीरो। यहां टेंशन था ऊपर, यहां टेंशन था ऊपर, एक्सेलरेशन था नीचे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा माइनस टी ए, बिकॉज टी इंटू ए कॉस 180 डिग्री, देयर एंटी पैरेलल। यहां देखो इस ब्लॉक पे टेंशन कितना था 2t ऊपर, यहां टेंशन कितना था 2t ऊपर, एक्सेलरेशन ए डैश भी ऊपर है, पैरेलल है, प्लस 2t इंटू ए डैश इज जीरो। जहां पैरेलल होते हैं वहां कॉस जीरो लेते हैं, जहां एंटी पैरेलल वहां कॉस 180 होता है। तो यहां पे देखो टेंशन ऊपर था, एक्सेलरेशन नीचे है, तो माइनस टी ए, यहां टू टी भी ऊपर था, एक्सेलरेशन भी ऊपर है ए डैश, प्लस टू टी ए डैश इज जीरो। टी कॉमन आके कट जाएगा, ए डैश कितना हो जाएगा ए बाई टू आ गया, ए डैश आ गया ए बाई टू। यानी कि अब हमारा दो अननोन नहीं है, एक ही अननोन है। इफ वी नो एक्सेलरेशन दिस ब्लॉक, वी नो एक्सेलरेशन दिस ब्लॉक, If you know acceleration of this block, we know acceleration of this block. किसी एक का acceleration पता चल गया, दोनों का पता चल जाएगा, एक ही वेरिएबल है, दो नहीं है। अब क्या करोगे, अब इस पे लिखो, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं इस ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक के लिए क्या लिखेंगे बताओ, इस ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स है, mg नीचे, टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो क्या लिखेंगे बताओ, mg माइनस t इज इक्वल टू ma। इसके लिए क्या लिखेंगे, mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। इसके लिए क्या लिखेंगे बताओ, इसकी एक्सेलरेशन है ऊपर, 2t ऊपर, 2t ऊपर, mg नीचे, तो क्या लिखेंगे बताओ, 2t माइनस mg, हम यहां अपवर्ड को मान रहे हैं पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे, 2t माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए डैश, बट ए डैश कितना था 2 है, सॉरी ए बाई टू। देखो ये दो इक्वेशन है और दो अननोन भी है, टेंशन अननोन है, एक्सेलरेशन अननोन है, दो इक्वेशन दो अननोन, कोई भी सॉल्व कर सकता है, दो इक्वेशन दो अननोन कोई भी सॉल्व कर सकता है। एक बार इसको यहां से टी निकाल के यहां डाल दो, ए निकल जाएगा, ये कर दो वो आ जाएगा, समझ रहे हो क्या कर रहे हैं। एससी वर्मा के सारे क्वेश्चन में या तो ए दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, क्वेश्चन नंबर 34 तुमको बनाना है, ए बी सी तीनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 34 एससी वर्मा का तुमको बनाना है होमवर्क, ए बी सी तीनों पार्ट, ठीक है। उसी तरह से तुमको क्वेश्चन नंबर बनाना है 22, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज का, बाकी हम बताएंगे। हाँ उसमें एक चीज बता रहे थे, क्या चीज, नहीं अभी तुम एससी वर्मा बनाओ, बाद में बनाना बीएम शर्मा। फोन खोल के बैठना पड़ेगा मतलब, पहले ये क्लास चल रही तो बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम हो। एक काम करो ना, घर में दो फोन होगा, एक फोन पे खोल दो, और क्या करो क्वेश्चन मत लिखो, क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ, सॉल्व कर दो बस। क्योंकि देखो जब बीएम सर तुम जाओगे ना, तुमको कौन सी चीज का यूज करा दे जो हम नहीं पढ़ाए हैं। एक काम करना तुम रुको, हाँ